आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। यूपी विधानसभा में आज योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया और इस बजट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश सरकार का आज ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक ऐतिहासिक बजट आज पेश हुआ है, क्या कहना है इस पर, कैसे इसको क्रियान्वित किया जाएगा और जनता को कितना लाभ है? देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। उसमें गरीब से गरीब व्यक्ति का भी ख्याल रखा गया है, युवाओं का ख्याल रखा गया, महिलाओं का ख्याल रखा गया है, किसानों और गरीबों का ख्याल रखा गया है, नौजवानों का ख्याल रखा गया है और उत्तर प्रदेश को प्रगति के एक नए मुकाम तक पहुंचाने का एक ऐसे संकल्प का यह बजट है जिस बजट की जितनी प्रशंसा की जाएगी वो कम होगी और उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बंटवारा है, ये बजट नहीं है, क्या कारण है, क्यों नाखुश हैं? है उनको कुछ लाइलाज रोग, उनको देखने में भाजपा का कोई अच्छा काम जो है उनको खराब दिखता है। अच्छा बजट उसको भी उनको लगता है कि इसमें जैसे वो तुष्टिकरण करते, तुष्टिकरण हो तो सब अच्छा है, अगर तीर्थस्थलों का विकास हो तो खराब है, गरीबों को घर मिले खराब है, नल से जल हर घर में पहुंच जाए उनको लगता है खराब है, गरीब के घर में बिजली लग जाए खराब है, उनका कच्चा मकान पक्का बन जाए उनके लिए खराब है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है, हम क्यों गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हम पहले भी काम कर रहे थे और ये जो बजट आया है इसमें भी हम उत्तर प्रदेश की जनता का ही और उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। विपक्ष अगर कुछ कहता है तो कहने दीजिए। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन पांडे। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का बजट 2022-23 पेश किया जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकारी स्कूलों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू की गई जिसमें प्रदेश के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2021 को इसका शुभारंभ हुआ। इसी के साथ महिलाओं के साथ साथ हेल्थ सेक्टर को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है जिस पर ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2740 महिला पुलिस कर्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 3 महिला पीएससी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है। अगस्त 2020 में गठित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का क्रियान्वयन पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। युवाओं के लिए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2021 से निशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा वितरित किए जा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन / टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है। प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। योजना हेतु 560 करोड़ रुपए की
योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया गया। यूपी विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं को खास तोहफा दिया गया। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर को भी और बेहतर करने के कई बड़े ऐलान किए गए हैं। योगी सरकार के इस मेगा बजट पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इतने बजट तो भारतीय जनता पार्टी पेश कर चुकी है, क्या निकला? सिर्फ नंबर बढ़ाए गए, हवा हवाई दावे किए गए ट्रिलियन इकोनॉमी के, लेकिन सही बात यह है कि उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता होती चली गई। यहां पर बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा, स्वास्थ्य में हम सबसे फिसड्डी हो गए। कोई भी योजना ना तो नौजवानों के हितों में है, ना किसानों के, ना आम आदमी के। बजट जो पेश हुआ है, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो जो नरेगा के मजदूर हो उनका मामला हो, स्वास्थ्य का विषय हो, इन सब लिहाज से ये एक बहुत ही निराशाजनक बजट है। इसी सरकार ने कहा था कि हम नई सरकार में किसानों की जो फसलों का दाम है उसे हम दोगुना कर देंगे, तो MSP के वादों का क्या हुआ जो किसानों से किया गया था? सदन में नियम 56 के अंतर्गत महंगाई का विषय हम सब लोगों ने उठाया था, लेकिन आज दुख के साथ कहना चाहते हैं कि जब बात उत्तर प्रदेश में ये स्थापित सच है कि महंगाई चरम सीमा पर है, सामान्य परिवार और गरीब परिवार के लोग आज इस सरकार में इस महंगाई के चलते उनका जीवन नहीं चल पा रहा है। और अगर आप देखें तो हम कुछ आपको आंकड़े भी जो हमने आज सत्र में विधानसभा के नियम 56 में हमने रखा है, सरकार आज किस तरीके से लोगों को गुमराह। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया गया। CM योगी के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट 2022-23 पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। योगी सरकार के इस बजट पर आम जनता का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। तो आप किसान हैं, आज बजट आ रहा है, बजट में 6 लाख क्विंटल जो है बीज भी वितरण करने की बात कही, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15,000 सोलर पंप लगाने की बात कही है, लघु सिंचाई के लिए 1,000 करोड़ का बजट रखा है। सरकार कह रही है कि इस बजट में उसने जो अपना खजाना है वो किसानों के लिए खोल दिया है, किस तरीके से देखते हैं इसको? अगर कुछ भी नहीं है, सरकार द्वारा दिया गया कुछ भी किसान को नहीं मिल पा रहा है, ये तो सिर्फ जो है कागजों अखबारों में बस चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सहूलियत होती है जो किसानों को सीधे मिलती हैं, मतलब बजट में क्या रखना चाहिए था विशेषकर? सुविधाएं दी जाएं, किसान को सीधी दी जाएं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अधिजय, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है, किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, लघु सिंचाई के लिए 1,000 करोड़ का बजट भी आया है, साथ ही आपको बता दें कि 15,000 सोलर पैनल भी उत्तर प्रदेश में जो सोलर पंप हैं लगाए जाएंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं और आज आप बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? आज जो बजट पेश हुआ है, हमारी समझ में किसानों के लिए कोई ये बजट नहीं है, क्योंकि लघु सिंचाई वाले इन्होंने जो घोषणाएं की थी उस घोषणाओं पर इन्होंने अभी तक सरकार ने अमल नहीं किया। अब ये लघु सिंचाई में किसानों को क्या लाभ हमें मिलेगा, इस बजट जो आया है उसमें किसानों को क्या लाभ मिलेगा, ये सरकार सोचना चाहिए। अरे किसान को सीधा, गरीब किसान को सीधा अगर कोई लाभ मिले तो किसान सरकार को देना चाहिए, इसमें बजट में किसान कुछ नहीं मिलने वाला नहीं। आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में युवा अधिवक्ताओं के लिए भी 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि पहली बार बजट में युवा अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ है? युवा अधिवक्ताओं के लिए तो हर टाइम पर, हर समय समय पर नई नई स्कीमें निकालते हैं, बट आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो आपका मतलब है कि कागजों में रहता है? हाँ, कागजों में ही रहता है। तो क्या आपको इस सरकार से भी उम्मीद नहीं है? अभी इससे पहले भी युवा अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपए साल बुक्स के लिए उपलब्ध कराए जाने थे, बुक्स कितने अधिवक्ताओं को प्राप्त हुए हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि युवा अधिवक्ताओं तक सीधे पहुंच बन सके, सरकार की जो व्यवस्थाएं सरकार करती है उनकी? सरकार को हर एक युवा अधिवक्ता के लिए एक मंथली इनकम बनानी चाहिए, जिससे वह अपने लिए बुक्स वगैरह खरीद सके, उससे अध्ययन कर सके। आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है, जो युवा अधिवक्ता है उनके लिए एक बजट में 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं और युवा भी हैं? वैसे तो अभी तक तो अधिवक्ताओं के लिए कोई सरकार ऐसा ठोस कदम आज तक तो उठाया नहीं है, और जो उन्होंने उठाया है ये कहाँ जहाँ तक है कुछ इससे युवा में उत्साह हुई और उनको कुछ तो लाभ मिलेगा, आराम भी होगा इससे। इससे पहले क्या होता था, अधिवक्ता यहाँ पर जो भी आते थे वो अपने जेब से ही लगाते थे, कुछ उनको मदद मिल जाएगी अपने।
अब की यूपी के बजट में आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, अब की यूपी की जनता को बहुत फ़ायदा हुआ। हम लोग कानपुर के निवासी हैं, कानपुर की जनता को 747 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, क्योंकि 747 करोड़ रुपए जब आएंगे तो हमारे मेट्रो परियोजना में लगाया जाएगा, जिससे जल्दी काम कंप्लीट होगा। ये नहीं कि अब 50 करोड़ 100 करोड़ करके दें, इकट्ठा 747 करोड़ आवंटन हो गया है। और मैं इसी तर्ज पर आप आगरा में भी 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। उसके अलावा सौर ऊर्जा के लिए इन्होंने बहुत अच्छी जो खेतियर जमीन है उस पर जो काम रहने वाले किसान लोगों के लिए सौर ऊर्जा फ्री कर दिया गया है। आप सौर फ्री में लीजिए और उससे आप पंप भी चलाइए। तीसरा सबसे अच्छा काम जो है, शक्कर की मिलें 3 नई चालू होंगी और 6 पुरानी मिलों को पुनरुद्धार किया जाएगा। अगर 6 चीनी मिलों को चालू किया जाएगा तो कम से कम कुछ लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा और इससे प्रदेश में उन्नति होगी। आज योगी 2.0 का बजट आया है, इस बारे में आपको क्या कहना है? बजट के बारे में तो यही कहना है कि जो चीज़ ज़रूरी है, जो हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए और शिक्षा के लिए, और जो हम लोगों का बिल इतना आता है बिजली का बिल, इसके लिए इसी बारे में कहना है कि पहले इस पे ज़्यादा ध्यान दे। वो आपको कहना है मतलब है बिजली के बिल पर रोजगार पर? जी जी, वो तो मेट्रो को, मेट्रो की सौगात दी है लगभग 650 के लगभग करोड़ की, तो उस पर मेट्रो को बैठना है, मेट्रो की सौगात मिली है, और आप कौन सी सौगात चाहती हैं? मेट्रो की मैं सौगात क्या चाहिए, जब हमारे घर में खाने को नहीं है, हम उसके लिए परेशान है तो मेट्रो थोड़ी बैठने जाएंगे। पहले जो इंसान के लिए ज़रूरी है वो चीज़ होनी चाहिए कि मेट्रो ज़रूरी होनी चाहिए? अगर यही पैसा पहले इंसानों पर लगाया जाए वो 600 करोड़ रुपये में कितना सबका भला होता, मेट्रो थोड़ी नहीं भला होगा। बजट किस तरह का पेश हो, लेकिन बजट में सिर्फ पूंजीपतियों का ध्यान दिया जाता है, हम मिडिल क्लास लोगों का नहीं। मैं जॉब करता हूं, प्राइवेट जॉब करता हूं, मेरा नाम दिलीप कुमार टोरानी है। सरकार को कुछ मिडिल क्लास पर भी ध्यान देना चाहिए, मिडिल क्लास के बारे में कुछ नहीं सोचती सरकार। इस बार जो सरकार का बजट आया है, कितना संतुष्ट है आप? मैं इस बजट से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, और पिछली बार जो बजट आया था उसमें जो योगी सरकार का कार्य देखने को मिला, गोरखपुर में एम्स, देवरिया में एम्स, और कई जगह 8-9 जगह मेडिकल कॉलेज उन्होंने खुलवाए, और मैं इस कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ। और मैं पूर्णतः यह आश्वस्त करता हूँ कि जो बजट अभी आया है उस बजट में सरकार काफ़ी उन्नति करेगा यह राष्ट्र, और जो विकासशील राष्ट्र है या विकसित राष्ट्र में परिवर्तन होता नजर आ रहा है। इस बार सरकार का जो बजट आया है उसको लेकर जो है आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? देखिए, ये भाजपा का जो योगी सरकार का बजट आया है तो ये विकास कार्यों में लगेगा, और इनके जो भी बजट आए हैं सब विकास कार्यों में लगे, युवाओं के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, और जहां जरूरत समझी गई है वहां पर ये बजट का सदुपयोग हुआ है। और हमको लगता है कि ये भारत देश अपना जो है विश्व गुरु के लिए अग्रसित है और बनेगा, निश्चित ही बनेगा इस भाजपा सरकार। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला बजट सत्र पेश हुआ है। आपको बताएं कि सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से 90 मिनट में 615 लाख करोड़ का आज बजट पेश हुआ है। उसी क्रम में हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आज बजट पेश हुआ है, क्या आपकी आशा अपेक्षाएँ वही हैं, और सरकार की तरफ से क्या काम किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत उत्साह के साथ, बहुत विचार करते हुए, प्रदेश के सभी वर्गों का समावेश करते हुए, उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में तमाम उन्होंने प्रयास किए हैं कि कैसे प्रदेश का विकास हो सके। लेकिन मैं आदर्श व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, व्यापारियों का नेतृत्व करता हूँ, ऐसी स्थिति में हम लोग लगातार इस बात के ऊपर टकटकी लगाकर देख रहे थे कि वित्त मंत्री जी व्यापारियों के लिए कब बोलेंगे। प्रदेश सरकार ने इस बजट में डायरेक्ट रूप में व्यापारियों के लिए कुछ नहीं बोला, ये हम लोगों कहीं ना कहीं मन में ये बात थोड़ी सी चुभी है, शायद व्यापारियों की तरफ बजट बनाते समय वित्त मंत्री जी का उतना ध्यान नहीं गया। इनडायरेक्ट वे में व्यापार बढ़ेगा, व्यापारियों का फायदा होगा, अगर सड़कें बढ़ेंगी प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो सड़कों के बढ़ने से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एयरपोर्ट्स बढ़ेंगे तो उससे भी व्यापार बढ़ेगा, अयोध्या में
चीज़ें बढ़ाने की बात हुई है उससे भी व्यापार बढ़ेगा, काशी में बात हुई है चीज़ों को और डेवलप करने की उससे भी व्यापार बढ़ेगा। इनडायरेक्ट वे में व्यापार बढ़ाने के तमाम अवसर सरकार ने दिए हैं, लेकिन डायरेक्ट वे में सरकार व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा दे सकती थी, व्यापारियों का दुर्घटना बीमा योजना का दायरा बढ़ा सकती थी, प्रदेश में ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी ला सकती थी, CCTV कैमरा, अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों पहले व्यापारियों से अपील की थी कि बाजारों में CCTV कैमरा व्यापारी लगाए, तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि व्यापारियों के साथ साथ प्रदेश सरकार भी इस पर पहल करेगी और CCTV कैमरा शासन की तरफ से लगाए जाएंगे, लेकिन इन सब की कोई घोषणा नहीं हुई, तो ये कहीं ना कहीं इस बात की हम लोगों को चिंता हुई। अच्छा, बजट आने से पहले अगर व्यापारियों की बात की जाए तो अध्यक्ष के तौर पर व्यापारियों की खुशहाली के लिए क्या आशा अपेक्षाएँ लगाए बैठे थे आप? देखिए, सरकार व्यापारियों की चिंता कर रही है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है, लेकिन डायरेक्ट वाली बात बनने बताइए, हम लोगों की अपेक्षा सरकार से ये, सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, सरकार सबकी चिंता कर रही है, और पिछले 10 मार्च को रिजल्ट आया है, उसके बाद से आज भी मई चल रहा है, 3 महीनों के अंदर सरकार ने जितना उत्साह दिखा सकते थे सरकार ने पूरे अपने उत्साह दिखाया है। मुझको लगता है कि हो सकता है पूरक बजट में या अभी बजट पर और चर्चा होगी, आज तो बजट पेश हुआ है, इसके अभी पूरा बजट सत्र चलेगा उस पर चर्चा होगी, तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं सरकार व्यापारियों की बातों को देगी, और आपके जो चैनल के माध्यम से आज ये बातें शुरू हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार तक ये बातें पहुँचेंगी, और आदर्श व्यापार मंडल भी ज्ञापनों के माध्यम से, मिलने या मुलाकात के माध्यम से अपनी बात को पहुँचाएगा और सरकार से व्यापारियों के हिस्से की चीज़ें लेकर के आएगा। तो हमारे साथ मौजूद थे आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि व्यापारियों को अगर देखा जाए तो इस बजट में कहीं ना कहीं जो नज़रअंदाज किया गया है उससे कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतें आएंगी, और आगे जो सरकार से उनकी आशा अपेक्षाएं हैं कि व्यापारियों के हित में काम करेगी। कैमरामैन शुभम के साथ विभांशु, प्राइम TV लखनऊ। चंदौली में एक लेखपाल पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट PP मीणा ने बड़ी कार्यवाही की और काम में लापरवाही के चलते लेखपाल को बर्खास्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीमारी का बहाना बनाकर लेखपाल ड्यूटी से महीनों गायब रहता था। तहसील चकिया जनपद चंदौली में कार्यरत लेखपाल श्री प्रभाकर शर्मा जी को अपनी सरकारी सेवाओं से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त या डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। इसका मूल कारण है कि उनको बार बार दिशा निर्देश दिए जाने के बावजूद भी आदेशों की अवहेलना करना, साथ ही साथ अनाधिकृत रूप से बहुत लंबे समय से तहसील में अनुपस्थित रहना, जिनका निलंबन फरवरी के माह में किया गया, उसके बाद उनको संबद्ध किया गया तहसील से, वहां पर भी वो पूरे अप्रैल महीने और मई महीने में पूरी तरह अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। कई बार उनको समझाया गया, चेतावनी दी गई, स्पष्टीकरण भी तलब किया गया, उसके बावजूद भी ना ही उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया, ना ही वो। खबर कानपुर से है, जहां विकास दुबे की संपत्तियों को सील करने की प्रतिक्रिया जारी है। कल्याणपुर शिवली रोड के मिर्जापुर में विकास दुबे के दोनों प्लॉटों को सीज कर दिया गया। वहीं विकास दुबे की पत्नी ने एक फैक्ट्री को बेचा था, जिस मामले पर चौबेपुर पुलिस और तहसील के अधिकारी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद इस फैक्ट्री पर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल अब तक अधिकारी द्वारा 67 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जानी है। अभी मैं खड़ा हूँ, ये शास्त्री नगर जगह है, ये यहाँ पे एक प्लाट है जो कि 222 गज का ये। हाँ जी, इस प्लाट के बारे में जो हमें आदेश मिला था कि इस जो ऋचा दुबे के नाम से है, 2010 में ऋचा दुबे ने इसका बैनामा कराया था, इसी की कुर्की के लिए आए हुए हम लोग और इसको अभी ट्रेस आउट कर रहे हैं। नंबर ट्रेस आउट होके अभी आपको इन्फॉर्म। आज कितनी जगह हुआ है सर? सुबह से हमने मिर्जापुर आराजी में घाटा संख्या 35 था, जिसमें दो प्लाट थे जो कि विकास दुबे के नाम से थे, उन दोनों को हमने सीज किया है और तीसरी प्रॉपर्टी ये है यहाँ पे, ये भी आए। खबर रुखाबाद से है, जो अतिक्रमण के खिलाफ के चलते जिला प्रशासन ने शहर के मसेनी चौराहे से नेकपुर मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया, जिसके बाद कई मकान ध्वस्त किए गए। वहीं शोर शराबा सुनकर नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव मौके पर पहुंची, जिसके बाद लेखपाल ने बताया कि मकान की पैमाइश पहले हो चुकी है, लिहाजा उसी आधार पर तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर सड़क जो है लगभग 18 मीटर से शुरू होकर बीच में 12 मीटर रह गई है, इसके बाद फिर से 18 मीटर आ गई है। एक भाजपा नेता का कोल्ड स्टोरेज भी यहाँ पे, उनका कितना अवैध अतिक्रमण अभियान की जद में है? उनका जो पिछला गेट है, पिछले गेट पे गेट से पीछे दीवार अंदर की तरफ 4.5 मीटर से लेके जो इनका ये सामने गेट दिख रहा है, इस पर 0 होता है, तो इनका लगभग 60 मीटर चौड़ाई में 4.5 मीटर नहीं, किसके कौन से किसके सामने है? अच्छा, तो एक घर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था क्या? हाँ। अच्छा, तो कितना रुपया मिला था? अभी तो 50,000 बाकी है। बाकी है,
अच्छा तो आज अतिक्रमण अभियान चल रहा है तो आपका घर भी टूटा है क्या? टूट रहा है, आया है। देखिए हमारे यहाँ भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने और लेखपाल जी ने आके नपाया तो 4.5 मीटर अंदर तक जो है सरकारी जमीन उन्होंने बताई, तो क्योंकि पूर्व में आज से 30-40 साल 50 साल पहले का बना हुआ है संस्था, उसी समय का निर्माण है, तो जो भी जो है नियमावली के हिसाब से उन्होंने बताया तो हम लोगों ने उसको हटवाने के लिए सहमति। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता लगी है और चेकिंग के दौरान नशीला पदार्थ खिलाकर सवारियों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से 2 असलहा सहित नकदी भी बरामद की। I-10 गाड़ी आई और इनसे कही कि हम आगरा तक चलेंगे, अगर आपको चलना हो तो मेरी गाड़ी में चल सकते हैं। उनको बस नहीं उस समय मिल रही थी तो उन्होंने ये सोच के कि जल्दी पहुंच जाएंगे उस गाड़ी में बैठ गए। आगे चलने पे इनको बताया गया कि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी गाड़ी है, इसमें सरकारी माल है और आगे चेकिंग लगी हुई है। तो बाकी 2 जो सहयात्री थे उन्होंने पहले अपने बैग से सामान निकाल के अपने कीमती सामान पैसे एक लिफाफे में डाल दिया, फिर आंसू ने भी सोचा कि जब और यात्री डाल रहे हैं तो इन्होंने भी डाल दिया, लेकिन उसको ये शंका हो गई कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसने थोड़ा विरोध किया तो उसका ATM और सब चीज़ें ले लिए और उससे पिन भी पूछ लिया और उसको फरा क्षेत्र में धक्का मार के गाड़ी से उतार दिया था। ये घटना होने के बाद इसका मुकदमा। खबर लखीमपुर से, जहां बाप और बेटे खेत के पास निकल रहे थे, वहीं कुछ दूर पर खंबे से टूटा बड़ा बिजली का तार पड़ा था जिसकी चपेट में आ गया और मौके पर बाप और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ के सासनी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर एक युवक को कुचल दिया और युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक्सीडेंट के 1.5 घंटे बाद तक मृतक का शव जमीन पर पड़ा मिला, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट में जो है मृत्यु हो गई है, जो है ट्रैक्टर वाले को पकड़ लिया गया है, और बाकी जो कार्रवाई है पोस्टमार्टम की कार्रवाई और ट्रैक्टर के विरुद्ध जो भी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नगर निगम रोज अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शहर में जाम की स्थिति से निपटा जा सके और शहर में स्वच्छ व साफ बनाया जा सके, उसी क्रम में आज नगर निगम द्वारा शाहजमहल में अतिक्रमण अभियान चलाया गया और गंदे नालों के ऊपर हो रहे अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सूचना मिलते ही ईदगाह कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की। बदायूं पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता मिली है और 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पकड़े गए आरोपी के पास से 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिजनौर में गैंगस्टर एक्ट में शामिल चल रहे एक इनामी आरोपी को पुलिस ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के उपकरई मुकदमा और 2 सालों से आरोपी फरार चल रहा था। पंडावर में गैंगस्टर एक्ट का एक अभियोग पंजीकृत था, जिसमें सईद अहमद वांटेड चल रहा था लगभग 2.25 वर्ष से। यह सऊदी अरब में रह रहा था, उसी दौरान इसका आना जाना जनपद में लगातार बना रहा। इसको ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार कर लेगी। इस पर 25,000 रुपये का मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरते ही वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, ड्यूटीरत अधिकारियों से लाइजनिंग थी, लुकआउट पहले जारी किया गया था। आते ही पुलिस ने इसको अपने हिरासत में लिया, विधिक कार्रवाई कर। पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की। SP देहात डॉक्टर ईरज राजा ने इस पूरी कार्रवाई का खुलासा करते हुए बताया कि ऑपरेशन पाताल के जरिए पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार पकड़े गए हैं। अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसी समय से ये फैक्ट्री यहाँ पर संचालित हो रही थी, क्योंकि ये सर्वविदित है कि पिछले वर्ष हम लोगों ने गाजियाबाद जनपद में 7 शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी थी। उसके बाद
लगातार से अगर हम देखें तो जो भी शस्त्र का इस्तेमाल करके घटनाएं थी उनमें भारी कमी आई थी, और ऑपरेशन पाताल की जब से घोषणा हुई थी तब से हम लोगों ने चिन्हित करके ऐसे टारगेट्स को हमने फिर से चिन्हित किया था, और इन लोगों ने चोरी छुपे जहाँ जहाँ फिर से अपने एक इस तरह से कारोबार अपना शुरू किया था, तो एक बार फिर से हम लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। इसके अलावा मोदी नगर में जो फैक्ट्री मिली है उसमें 6 निर्मित शस्त्र एवं 5-6 अर्धनिर्मित शस्त्र बरामद हुए हैं, तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई ये 4 सर्किलों के द्वारा की गई है। हरदोई में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल पैतृक जमीन पर कूड़ा डालने को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर हरदोई से है, जहां मिशन शक्ति के तहत 3 छात्राएं एसपी और एसएसपी बनी। फरियादियों की शिकायत सुनकर छात्राओं ने निस्तारण का निर्देश दिया। पुलिस के प्रति समाज में व्याप्त तमाम समस्याओं के बारे में छात्राओं की हकीकत जानी, और एक दिन के लिए जयपुरिया स्कूल की छात्रा अंजलि वर्मा, जानवी भारद्वाज और अदिति सिंह एसपी बनी और एसएसपी, जिसके छात्र छात्राओं ने उत्साह देखने को मिला। हरदोई में जैसा पुलिस का मिशन शक्ति कार्यक्रम काफी समय से चल रहा है, उसी क्रम में मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के जो प्रतिष्ठित स्कूल हैं वहाँ जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनमें जो मेधावी छात्राएं हैं उनको भी एक अवसर दिया जाए। हम लोग और हमारी जो महिला कांस्टेबल्स हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, वो तो स्कूलों में जाती हैं और जागरूक करती हैं, किंतु इनको अवसर दिया जाए ताकि ये स्वयं से फर्स्ट हैंड जानकारी कर सकें कि पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस की क्या परेशानियाँ हैं और पुलिस के समक्ष कैसे कैसे। लखीमपुर खीरी में तेंदुए के हमले से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग की टीम की ओर से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हरदोई ऑपरेशन पाताल के तहत पुलिस ने 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर शातिर अपराधी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने 110 ग्राम नशीला पाउडर भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ऑपरेशन पाताल के तहत चलाए जा रहे अभियान में एक अभियुक्त नफीस, जो कि थाना कोतवाली शहर से वांटेड चल रहा था, इसके विरुद्ध पूर्व में काफ़ी नारकोटिक ड्रग्स से संबंधित अभियोग पंजीकृत हैं। इसको कल थाना बहोली पुलिस ने अरेस्ट किया है और इसके पास से 110 ग्राम नशीला पदार्थ भी मिला है। ये हमारे जनपद का चिन्हित ड्रग माफिया है। वह इसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।